जिस परीक्षा को पास करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, उस परीक्षा को महिमा ने पास किया है। वो महिमा जो अपना एक कॉपी का पेज भी खुद नहीं पलट सकती, अपना मोबाइल नाक से खोलती है और लैपटॉप भी नाक से टच करके चलाती, वो महिमा आज हमारे साथ है। हम पूछते हैं कि आखिर उसने इस मुकाम तक कैसे पहुँची है। महिमा, पहले तो आपको बहुत बधाई हो न्यूज़ 24 की तरफ से कि आपने नेट क्वालीफाई किया है। थैंक यू। मैंने मैं रेगुलर पढ़ती थी और चार पाँच छः घंटा पूरा स्टडीज में कंट्रीब्यूट करती थी, तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन की। अच्छा, ये बताइए कि आप कॉपी भी अपने आप नहीं पलट सकती हैं, मोबाइल चलाती हैं, कैसे चलाती हैं मोबाइल और कॉपी का पेज कैसे क्या करती हैं? बुक्स के पेज तो मेरी मदर पलटती हैं और फोन मोबाइल जो है वो मैं बचपन से ट्राई करती थी कि मैं किसी तरह चला लूँ, तो प्रैक्टिस हो गई। अब मैं नोज के टिप से चला लेती हूँ टच करके मोबाइल। अच्छा, ये बताइए, आपने नेट क्वालीफाई दोबारा किया है, पहले भी आपने एक बार पास किया था, आज फिर किया है, क्या बनना चाहती हैं, क्या सपना है माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए? मैंने फिर क्वालिफाई किया है नीट। पहले तो राइटर का नीट में प्रोविजन नहीं था, इस पीएम मोदी ने फिर इंटरव्यू करा और स्पेशल प्रोविजन बनाया राइटर का, तब जाके मुझे परमिशन मिली। फिर मेरा एडमिशन लेकिन लास्ट टाइम नहीं हुआ, सिर्फ इसी के लिए कि मैं डिसेबल्ड हूँ, तो मुझे इसी के चक्कर से रिस्ट्रिक्ट करा सबने। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैंने क्वालिफाई किया है तो मुझे एडमिशन मिल जाए BBSC में। एडमिशन चाहती हूँ मैं। एडमिशन चाहती हैं, तो क्या जब आपको वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बन के क्या करेंगे, किस तरह की सेवा करना चाहेंगे? मैं वेटनरी बिहेवियरिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं बिहेवियरल रिसर्च करना चाहती हूँ मैं, और मैं प्रूफ करूँगी, अगर मुझे चांस मिला तो मैं प्रूफ करके दिखाऊँगी, रिसर्च करके दिखाऊँगी वेटनरी साइंसेज में। और मैं अपने कंट्री का नाम रोशन करके दिखाऊँगी। महिमा को इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का है। बताते हैं, महिमा जन्म से ही ये बीमारी की ग्रस्त है, उस लगभग 80% ये विकलांग हैं। उनकी माँ है, उनसे बात करते हैं आखिर उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की, पढ़ाई से लेके जो दिनचर्या है उनको किस तरह से वो कराती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि महिमा सुबह से लेके शाम तक किस तरह से आप काम कराती हैं, पढ़ाई में किस तरह से आप इनका करते हैं? महिमा का हर काम महिमा का बिल्कुल डिसिप्लिन में है। सुबह जागती है महिमा, फिर वॉशरूम ले जाती हूँ उसको, फिर उसके बाद इसका ब्रेकफास्ट होता है, फिर स्टडी, फिर पहले इसकी एक्सरसाइज होती है, फिर इसको स्टडी के लिए बैठाना होता है, जो ये चैप्टर बोलती है खोलने को मैं उस खोल देती हूँ उसको, फिर ये जितना पढ़ती है फिर मुझे ये आवाज़ लगा लेती है, मम्मा पेज टर्न करना है, तो मैं आ जाती हूँ। फिर ये कुछ बोलती है कि ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे इसको नोट कर दीजिए, जो भी ये बोलती है इसके अकॉर्डिंग मैं वो चीज़ें कर देती हूँ। फिर इसका लंच टाइम होता है, लंच भी इसको लंच कराया, फिर ये थोड़ा कोई भी अपना पेट है उससे थोड़ा खेलती है, फिर उसके बाद ये स्टडी के लिए फिर तैयार होती है। अच्छा, ये बताइए, जो महिमा को जो प्रॉब्लम है ये कब से शुरू हुई? क्या एक बार को आपकी हिम्मत भी टूटी होगी कि आप बेटी है कैसे आगे अपना जीवन काटेगी, कैसे आप इसको शिक्षा दे पाएंगे, कैसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, जब महिमा पैदा हुई पहले तो हुआ थोड़ा बहुत ऐसा, लेकिन धीरे धीरे महिमा जैसे जैसे बढ़ने लगी, हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से ऐसी ना आत्मविश्वास आया कि नहीं इसको हम कर लेंगे। और महिमा भी इतनी मेहनती थी, हर चीज़ में हमको सपोर्ट करती थी, एक्सरसाइज में, खाने में, पढ़ाई में। जब ये बहुत छोटी थी तो मैं इसको सीढ़ी में बैठ के पढ़ाती थी, तो ये वहाँ पे भी बैठ लेती थी पढ़ने के लिए, मतलब इसको इतना जिज्ञासा रहती थी ना हर चीज़ को पूछने के लिए, ये क्या है, ये क्या है।
ये डाइनिंग टेबल में भी कोई बुक्स देखती थी तो इसको वहाँ भी नज़र पड़ती थी, कहती थी मम्मा वाली बुक्स लाओ वाली, वो ऐसे करके मेरे को पॉइंट करती थी कि वो लेके आइए, फिर मैं इसको दिखाती थी पेज पलट पलट के, तो ये बड़े इसको बहुत उत्साह मिलता था वो सब देख के, ये बहुत खुश रहती थी। फिर जो भी ये बोलती थी तो इसके ये जुनून को देख के ना मुझे भी बड़ी वो मिलती थी, ताकत मिलती थी मुझे भी कि इसको कितना अंदर से उत्साह है और कितनी जिज्ञासा है इसको हर चीज़ को जानने के लिए। तो इस फिर हमारी ये जर्नी चलती रही चलती रही, तो महिमा ने बहुत हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी मुझे होता था कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये कहती थी मम्मा आप चिंता मत करिए मैं पूरा करूँगी, आप बस जो मैं बोलती हूँ आप वो कर दीजिए, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी सबको, अपने सोसाइटी को भी, अपने स्कूल को भी, अपने टीचर्स को भी, फ्रेंड्स को भी। इन लोगों ने इसको बहुत कोऑपरेट किया, टीचर्स ने और फ्रेंड्स ने बहुत कोऑपरेट किया। अब महिमा ने पिछले साल भी नीट क्वालिफाई किया था, इस बार भी क्वालिफाई किया है, इस बार लगभग 70% नंबर पास किए, कैसा लग रहा है? और चारों तरफ से फ़ोन आ रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे, तो क्या कैसी खुशी महसूस हो रही है आपको? खुशी तो बहुत हो रही है, बस खुशी वहाँ पे को रुक जा रही है कि इसको आगे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार भी इसको केवल डिसएबिलिटी के वजह से इसको रोक दिया, लेकिन मैं फिर इसने कहा कि नहीं मैं फिर से करूँगी, मैं फिर से इसको मम्मा मैं फिर से करूँगी, आप चिंता मत करिए। अपने पापा को भी इसने यही किया, इसके पापा भी इसको बहुत कोऑपरेट करते हैं, पढ़ाई से लेके हर चीज़ में इसको हर चीज़ की नॉलेज देते हैं इसको, और ये मतलब जो ये यहाँ पे तक पहुँचे हैं, इसके फादर का भी इसमें बहुत वो है, बहुत उनका कोऑपरेट किया है, इसके फादर ने भी ऑफिस भी जाना है, यहाँ भी जाना, बहुत चीज़ें होती थी हमारे उसमें, लेकिन बहुत उन्होंने भी अपने साहस से और अपने पेशेंस लेवल को कंट्रोल करके इसको बहुत बैलेंसिंग टच दिया महिमा को। हाँ आज खुशी तो हो रही है, लेकिन एक ना सर एक क्वेश्चन यही आ जा रहा है कि पता नहीं इसको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बस मैं यही चाहती हूँ कि सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहीं पे रोके ना, बस इसको चांस दे करने का, क्योंकि देखिए नॉर्मल लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है, जो बच्चा डिसेबल है, जो बच्चा एक अपने कपड़े भी नहीं पहन पाता ना, वो पेज पलट कुछ भी नहीं कर पाता है, एक ब्रेन के जरिए उसने यहाँ पे तक पूरी जर्नी अपनी पूरी कर ली है, तो अब हमारे हम माँ बाप ने तो अपना योगदान पूरा दिया है बचपन से, तो क्या सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहिए। बस मेरी यही जिज्ञासा वो मन मेरी यही विश है इन लोगों से कि इस महिमा को अब महिमा जैसे कितने लोग होंगे कि इनको रोके ना, इनको चांस दिया जाए, इनको भी ह्यूमन इनकी भी वो है इच्छाएं हैं, इनकी भी तो इच्छाएं हैं जैसे नॉर्मल लोगों की होती है, इनकी भी तो इच्छाएं हैं कुछ करने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने इसका भी तो ह्यूमन राइट है ना ये कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए और पढ़ाई के लिए इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। फिलहाल नीट का रिजल्ट पास करने के बाद महिमा के घर में खुशियों का माहौल है, और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, एक महिमा की तरफ देखिए कि वो दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंड है, फिर उसके बावजूद भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। नीरज आनंद, न्यूज़ 24, बरेली।